सो बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं हम करने वाले हैं आज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का टेक्निक देखेंगे कि कैसे सॉर्टिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट आप लेते हो, इफ यू हैव एरे लिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग str और लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, लिस्ट डॉट एड ठीक है, इस तरह से कुछ वैल्यू है इसमें। ओके, हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं लिस्ट। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट इज जो जिस सीक्वेंस में ऐड हुआ था। ओके, जिस सीक्वेंस में ऐड हुआ था उसी सीक्वेंस में प्रिंट कर दिया है। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, बेसिकली इस एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, एरे को सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ओके बेसिकली आज के इस टॉपिक को ध्यान से आप लोग समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर सकते हो, आप विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी प्रीडिफाइंड फंक्शन, आप इसको नॉर्मल, आप कोई भी लॉजिक लगा के बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, जितने भी सॉर्टिंग के टाइप्स है, ठीक है, उसको यूज करके भी आप सॉर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, बट जावा में कुछ एपीआई दिया हुआ है। ठीक, जावा के एपीआई को यूज करके बेसिकली हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक है कलेक्शंस, ठीक है, जो कि कहां पर है, यूटिल पैकेज में है। कलेक्शंस एक क्लास है, ठीक है, जो यूटिलिटी क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो कलेक्शंस में एक है हमारे पास फंक्शन सॉर्ट। ओके, तो इस सॉर्ट फंक्शन को यूज करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट को सॉर्ट करके वापस इसी एरे लिस्ट में दे देगा वो। ठीक है, सो इतना ही लिखने से क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा सॉर्टिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ सिस आउट लिस्ट। ओके, हम ये चेक करेंगे कि सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो सॉर्टिंग करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि ये कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कैसे वर्क करता है और क्या है। ठीक है, नाउ अब जब एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर कि ये जो है एरे जो है सॉर्ट हो गया है। ओके, एरे जो है सॉर्ट हो गया। सो ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा है, यहां पर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लेना बीच में। ठीक है, ठीक है, तो अब कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है, इसी तरह से है हमारे पास एक और एरेज डॉट सॉर्ट। ओके, एरेज डॉट सॉर्ट भी है हमारे पास। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखो कि एरेज डॉट सॉर्ट में जितना भी सॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास क्या सॉर्टिंग है, ये कन्वेंशनल एरे को सॉर्ट करता है। ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट कन्वेंशनल एरे जो था उसको सॉर्ट करता है। ठीक है, तो अगर कन्वेंशनल कोई एरे है तो आप एरेज डॉट सॉर्ट यूज करोगे, अगर आपने एरे लिस्ट यूज किया हुआ है या फिर आपने कलेक्शन क्लास का कोई भी यूज किया हुआ है तो आप कलेक्शंस यूज करोगे। ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ओके, तो एरेज डॉट सॉर्ट कैसे वर्क करेगा, फॉर एग्जांपल कि आप बनाते हो इस तरह से स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहां पर आने के बाद आप बेसिकली इसमें साइज देते हो। ठीक है, याद करो कि आप इस तरह से करते थे पहले, राइट, और फिर आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर करोगे। ठीक है, जीरो पोजीशन पे आपने कुछ डाला ए, ओके, एंड एस टी आर
वन पोजीशन पे आपने डाला जेड, ओके। तो इस तरह से आप ऐड कराने के बाद इसमें जो ऐड कराओगे आप, ठीक है, तो इस चीज को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास है एरेज डॉट सॉर्ट, ओके। यहां पर डाल दो आप वाई बी डब्ल्यू, ठीक है। सो अब हमें इसको सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, बेसिकली हम यूज करेंगे एस टी आर, ओके। ठीक है, तो बेसिकली ये इसको सॉर्ट कर देगा, ओके। आउटपुट जो आया इसका, बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग, ओके, ये बंद है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है, ये जो प्रिंट किया, बिकॉज क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल एरे लिस्ट को, क्योंकि एरे लिस्ट इंटरनली जो है, जो भी लिस्ट हम यूज करते हैं वो इंटरनली टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करता है, ठीक है। इस वजह से आप जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हो तो इसका डेटा दिखता है हमें, ठीक है। बट स्ट्रिंग क्लास में ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग के एरे में ऐसा नहीं है। तो आप प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा आपको, यू हैव टू यूज फॉर लूप और एनी अदर एनी लूप टू प्रिंट द वैल्यू, ओके, स्ट्रिंग एस एंड देन एस टी आर, ठीक है। तो अब इसके थ्रू आप यहां पर प्रिंट कर सकते हो एस की वैल्यू, ओके। तो ओके, इस वजह से एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, यहां पर इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी आपने इसमें वैल्यू कुछ इंसर्ट कराया, ओके, और फिर क्या हुआ, इंसर्ट क्या कराया था हमने, ए जेड वाई बी, ठीक है, इस एरे में था। आफ्टर सॉर्ट, सॉर्ट करने के बाद जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिला वो सॉर्ट सॉर्टेड फॉर्म में मिला, ओके। तो अब आपको याद रखना है एक चीज, कि अगर आप कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स पे वर्क कर रहे हो और एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, देन यू कैन यूज दिस मेथड, यू कैन यूज दिस वे, ओके, कलेक्शन डॉट सॉर्ट और एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है। बट नेक्स्ट हमारा जो है इसमें सिनेरियो वो क्या है, सपोज कीजिए इफ यू हैव टू, इफ यू वांट टू सर्ट सॉर्ट एरे लिस्ट एम्प्लॉय ए लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके, ठीक है। अगर आपको एक एम्प्लॉय क्लास को, ठीक है, आप इंपोर्ट एम्प्लॉय, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, आई मीन आप किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को, ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप हो गया यहां पर, जैसे यहां पर स्ट्रिंग था, ठीक है, इसी तरह से एरे लिस्ट है, ठीक है, एरे लिस्ट में एम्प्लॉय है। तो अगर आप इसको सॉर्ट करने के लिए जाते हो, ठीक है, एम्प्लॉय को, हम ये देख लेते हैं कि इस एम्प्लॉय क्लास में क्या है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास में क्या है, हमारे पास नेम एज एंड एड्रेस, ओके, ये हमने एक पोजो बनाया हुआ है एम्प्लॉय क्लास का, जिसमें एक मेथड है, यहां पर क्या है ये कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में हम पास कर रहे हैं जो भी इसका आर्गुमेंट है, ठीक है, एंड देन वी हैव गेटर एंड सेटर, ठीक है, इस क्लास में सिर्फ इतना ही है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जब हम एम्प्लॉय क्लास के, एम्प्लॉय क्लास का एक एरे लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, और इस एरे लिस्ट को अगर सॉर्ट करना हो हमें, तो हम कैसे सॉर्ट करेंगे, अगर हम इसको कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करेंगे तो ये सॉर्ट होगा नहीं, ओके। हम क्या करते हैं, पहले कुछ ऐड करते हैं, एम्प्लॉई ई वन इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, ओके। ये चीज आप अच्छे से देखना अभी, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो या कहीं भी जाओगे, ओके, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मेन है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे यहां पर,
इस क्लास में क्या क्या है एक्चुअली देखो, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये चीज याद है ना आपको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं है। इसमें जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ओके। और इसमें फर्स्ट नेम है, एज एंड एड्रेस ठीक है। इसी वजह से जब हम कर रहे थे यहाँ पर स्ट्रिंग इम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय ओके, जब हम न्यू इम्प्लॉय करते हैं नॉर्मल, तो ये वर्क नहीं कर रहा, आई मीन एक्सेप्शन दे रहा है ठीक है, बिकॉज वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब इसमें आर्गुमेंट आप पास करोगे उसके बाद वर्क करेगा ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने इसमें लिखा वरुण ओके, एंड एज इज 20 ओके, एंड एड्रेस दिल्ली ओके। तो ये एक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ओके, ये एक इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, इस लिस्ट में ऐड कर दोगे ओके, इस लिस्ट में आप ऐड कर दोगे। सो कैसे ऐड करोगे, ई लिस्ट डॉट एड E1 ओके, ई लिस्ट डॉट एड E1। तो एक इम्प्लॉय जो है हमारा ऐड हो गया कि हाँ इस लिस्ट में ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक दूसरा इंप्लॉय क्रिएट करेंगे ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, एक दूसरा इंप्लॉय क्रिएट करते हैं ओके, E2 ठीक है। तो E2 हम किया, और यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देते हैं ठीक, एंड देन ओके। अब इसको भी आप ऐड करा रहे हो कहां पर, ई लिस्ट में ठीक है, ई इंप्लॉय लिस्ट में आपने E2 को भी ऐड कर दिया ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, एक और क्रिएट कर लो आप, और फिर हम देखेंगे कि इस पे कैसे वर्क करते हैं ठीक है। E3 और E3 में कुछ भी आप डाल दो ठीक है, ठीक है E3। सो हमने क्या किया, बेसिकली तीन इंप्लॉय बनाया, तीन इंप्लॉय क्लास का तीन ऑब्जेक्ट बनाया, एंड इन तीनों ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, इस लिस्ट में ऐड करा दिया ठीक है। कोई क्वेश्चन, नाउ हम क्या करेंगे यहां पर, कलेक्शन इसको सॉर्ट करना है हमें ठीक है। सॉर्ट करने के लिए कलेक्शंस यूज करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, एंड देन हम ई लिस्ट इसमें देंगे ठीक है, ई लिस्ट। तो ये बेसिकली इसको सॉर्ट करना चाहिए था, बट यहां पर एक एक्सेप्शन आ रहा है ठीक है, एक्सेप्शन आ रहा है कि मेथड सॉर्ट इन टाइप कलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट एरे लिस्ट इंप्लॉय ओके। दैट मींस कि जब कोई आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, या फिर कोई ऐसे क्लास आप यूज करते हो एरे लिस्ट में, तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते ओके, आप इस तरह से सॉर्ट नहीं कर सकते हो ठीक है। इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूं, ओके। सो जैसे हम एरे लिस्ट में करते थे ठीक है, बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग ठीक है। सो हम इसमें भी करते हैं, एरे लिस्ट में डेटा स्टोर कराया ठीक है, बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्ट करने से पहले क्या हुआ, हम इसको प्रिंट करा रहे हैं ठीक है, ई लिस्ट को। तो अभी इसमें ई लिस्ट में क्या है, बेसिकली इंप्लॉय है का ऑब्जेक्ट है ओके। सो अगर आप अभी प्रिंट करोगे इसे बिफोर सॉर्टिंग ठीक है, तो ये क्या प्रिंट होगा इसमें, ओके ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक इंप्लॉय क्लास का एरे लिस्ट बनाया, इंप्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया ओके। अब बिफोर सॉर्टिंग हम प्रिंट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इस ई लिस्ट में क्या है, इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट है ठीक है। तो जो आउटपुट होगा वो कुछ आउटपुट होगा इस फॉर्म में ओके, फर्स्ट इंप्लॉय आई मीन ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है ठीक है, सेकेंड इंप्लॉय, थर्ड इंप्लॉय ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली दो चीजें, या तो आप जाओ नॉर्मल ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इंप्लॉय क्लास में जाओ ओके,
और यहां पर आने के बाद आप टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दो, ओके, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दो आप, और ओवरराइड किस पे करना है, इस फील्ड्स पे करना है, ठीक है, जो भी इस क्लास में फील्ड्स यूज हो रहा है उन सारे फील्ड्स पे करना है, ठीक है, और कहां पर आप कराओगे, जो सबसे लास्ट में मेथड है, सबसे लास्ट में जो मेथड है आप वहां पर ऐड करा रहे हो, ठीक है, तो यहां पर हमने कर दिया ओवरराइड, ठीक है, टू स्ट्रिंग। नाउ अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, अब अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, आउटपुट अब कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है, आउटपुट हमारा डिफरेंट है, क्या है आउटपुट, इंप्लॉय, ठीक है, इंप्लॉय प्रिंट किया है, ये फर्स्ट एरे लिस्ट में फर्स्ट प्रिंट किया है यहां तक, ठीक है, कॉमा से पहले आप देखो तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है वो प्रिंट कर दिया, दूसरा इंप्लॉय उठा और दूसरे इंप्लॉय का डेटा यहां पर प्रिंट किया, इंप्लॉय थ्री, ओके, तो इस तरह से बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर इस क्लास में, इंप्लॉय क्लास में, इंप्लॉय क्लास में वी हैव थ्री फील्ड्स, नेम, एज एंड एड्रेस, ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आप सॉर्ट करने जा रहे हो, ये बेसिकली ये सॉर्ट इसलिए नहीं वर्क करता है यहां पर कि अभी कंफ्यूज है ये, ठीक है, कि आप सॉर्ट तो कर रहे हो लेकिन इस इंप्लॉय क्लास में किसके बेस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो, ओके, नेम के बेस पे, एज या फिर एड्रेस, क्योंकि यहां पर थ्री फील्ड्स है, ओके, अगर यहां पर सिंगल फील्ड्स भी होता तो भी ये नहीं करता, ठीक है, बिकॉज कि आपको यहां पर बताना होगा कि आप सॉर्ट कर रहे हो तो कैसे, किस सीक्वेंस में, किस तरीके से करोगे सॉर्ट, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं एज के बेस पे, ओके, एज, अभी देखो एज इक्वल टू 20, फर्स्ट एरे लिस्ट जो प्रिंट किया लिस्ट इंप्लॉय का, इसमें एज 20 है, दूसरे का कितना है 30 एंड थर्ड वन 10, ठीक है, तो हम अभी जो सॉर्ट करेंगे वो करेंगे एज के बेस पे, ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव, ये वर्क करेगा लेकिन कैसे करेगा वो हम बता रहे हैं अभी, सो फॉर दैट वी हैव कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है, टू सॉर्ट, ओके, ओके, टू सॉर्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वी हैव कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है। नाउ कंपेरेबल और कंपेरेटर इंटरफेस के थ्रू हम क्या करेंगे, बेसिकली डेटा को सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो कंपेरेबल इंटरफेस, सो फर्स्ट वन हम यूज करते हैं कंपेरेबल, ठीक है, तो कंपेरेबल इंटरफेस कैसे यूज करते हैं वो अब आप देखो, ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी कर रहे थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे अभी तक, ऊप्स कॉन्सेप्ट में सारा चीज हमने पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, और क्या क्या था, इनहेरिटेंस, ठीक है, तो वहां पर क्या था, बेसिकली हम कैसे इंटरफेस बनाएंगे, कैसे डेटा टाइप को यूज करेंगे, वो सब हमने सीखा, ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी जो इंप्लीमेंटेड है आप उसको कैसे यूज करोगे, ठीक है, तो हम कंपेरेबल का यूज देखेंगे, कंपेरेबल एक इंटरफेस है जो सॉर्टिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे कहां पर, जो भी आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका टाइप है, यहां पर इंप्लॉय एक टाइप है, तो आप इंप्लॉय क्लास में जाओगे, इस इंप्लॉय क्लास में आप क्या करोगे, बेसिकली इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल, ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस को आप यहां पर इंप्लीमेंट कराओगे, ठीक है, तो जब इंप्लीमेंट कराते हैं तो हम इसका टाइप भी दे देते हैं, ठीक है, ओके, इस तरह से हम करते हैं, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल एंड देन हम टाइप फिक्स करते हैं कि आप किस टाइप के डेटा को कराना है आपको, ठीक है। नाउ यहां पर आ गया, जब एक इंटरफेस है तो आपको पता होगा इंटरफेस में अगर कोई मेथड है, ठीक है, अगर आप देखोगे इस कंपेरेबल इंटरफेस में, तो कंपेरेबल इंटरफेस को कैसे बनाया गया है, पब्लिक इंटरफेस कंपेरेबल एंड देन टी, टी दैट मीन्स यहाँ पर टाइप आपको देना है, ठीक है, जिस टाइप से आप बना रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल हम इम्प्लॉय बना रहे हैं तो यहाँ पर टी के जगह पर इम्प्लॉय सेट हो जाएगा, ठीक है। और इस इंटरफेस में एक मेथड है, क्या है वो मेथड, पब्लिक इंट कंपेयर टू। ओके, सो इस क्लास में, इस इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, ओके, और वो है कंपेयर टू, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो अब हमें क्या है कि कंपेयर टू को यहाँ ओवरराइड करना होगा। ओके, तो कंपेयर टू को कैसे ओवरराइड करेंगे, आप इसमें कर्सर ले जाओ, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ओके, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कंपेयर टू, ठीक है। यही मेथड है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, याद है आपको कि जब भी हम इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस में अगर कोई मेथड है, ठीक है, तो उस मेथड को ओवरराइड करना ही करना होता है, ठीक है, आई मीन आपको यूज करना ही करना होता है, ठीक है। तो आपने लिखा कंपेयर टू, ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, दैट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू ये रिटर्न करेगा। कंपेयर में यहाँ पर इम्प्लॉय डाल दिया, ठीक है। आप इससे हमेशा देखो, यहाँ पर टी लिखा हुआ है और इस इंटरफेस में भी टी पास हो रहा था, ठीक है। तो सेम चीज है, जब हम यहाँ पर अपने क्लास में इम्प्लॉय पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्प्लॉय सेट कर देगा, ठीक है, कंपेयर टू इम्प्लॉय। नाउ अब हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना है कि आप जो सॉर्टिंग करोगे वो किस बेस पे करोगे, ठीक है। आप एज के बेस पे करना चाहते हो, नेम के बेस पे, या फिर एड्रेस के बेस पे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हम क्या करेंगे, एज के बेस पे सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, दिस डॉट एज, ओके, दिस डॉट एज माइनस ओ डॉट एज, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है, और लॉजिक सिर्फ इतना ही है, ठीक है, हमें यही समझना है कि ये लॉजिक क्या है। अब ये सॉर्टिंग यहां से हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही हमें लिखना होता है। अब आप जब प्रोग्राम में आओगे अपने, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अब देखो यहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा, इससे पहले एक्सेप्शन आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा, ओके। तो उसका रीजन क्या है कि अभी हमने क्या किया, इस क्लास में, आई मीन इम्प्लॉय क्लास में हमने क्या किया, एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा दिया, ठीक है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया, और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराने के बाद उसमें हमने एक मेथड है कंपेयर टू जिसको ओवरराइड किया, ठीक है। ओवरराइड करने के बाद ये वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, बिफोर सॉर्टिंग और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर आफ्टर सॉर्टिंग, ओके, After sorting. Now, अब देखते हैं आउटपुट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। So, हमने अभी सॉर्ट किया किस बेस पे, एज बेस पे, एज के बेस पे, ठीक है। तो बिफोर सॉर्टिंग क्या था, इंप्लॉय, आप देखो नेम वरुण, एज 20, दिल्ली, तो यहां पर एज 20 था, फिर 30, फिर 10, ओके। जब सॉर्टिंग हुआ तो फिर क्या हुआ, यहां पर एज 10 आ गया, 20 आ गया एंड 30 आ गया, ठीक है। दैट मींस सॉर्टिंग हो गया, इंटरनली सॉर्टिंग हो गया, किस बेस पे, एज के बेस पे सॉर्टिंग हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, एनी क्वेश्चन? सर वो लॉजिक समझाओ सर, दिस डॉट एज माइनस, ओके, ठीक है, वो अभी उस पे हम लॉजिक समझ, ठीक है, अब वो मैं समझाता हूँ, अभी तक लॉजिक छोड़ दो आप, बाकी समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क हो रहा है, राइट? एक क्वेश्चन है, यहाँ हमने एज बेस पे सॉर्टिंग कहाँ पे हमने लिखा, हमने तो ई लिस्ट ही लिखा है सिंपल, राइट? यही चीज है जो आप लोगों को समझना है, ठीक है, और इसी वजह से ये जो है ना सॉर्टिंग का जो ये जो टॉपिक है, आप चाहे किसी की पोस्ट के लिए जाओ, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए जाओ या जावा के लिए जाओ, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। आप इसका अगर आंसर दे रहे, आप दे देते हो, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको ना उप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पता है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो उप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि उसमें अब्स्ट्रैक्शन में हम लोग इंटरफेस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, थीके? तो हमने एक इंटरफेस भी यूज किया हुआ है, ठीक है, इंटरफेस यूज करने के बाद कुछ हमने इम्प्लीमेंट कराया, फिर सॉर्टिंग का वो टेक्निक देखा, ठीक है, थीके? तो इसीलिए इंटरव्यू में यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाउ अब वापिस आते हैं कि हम सॉर्टिंग के लिए हमने कुछ तो लिखा नहीं, राइट? अभी सॉर्टिंग के लिए हमने नॉर्मल एम्प्लॉय लिस्ट दिया यहाँ पर, ठीक है, बट फिर भी ये एज के बेस पे सॉर्ट कर रहा है, ठीक है, वो कैसे कर रहा है,
तो हमने क्या किया यहां पर, सॉर्ट यूजिंग एज, ओके, ठीक है, सॉर्ट बेस्ड ऑन एज, तो एज के बेस पे सॉर्टिंग हुआ यहां पर, ओके okay? लेकिन ये एज के बेस पे सॉर्टिंग हुआ ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो कंपेरेबल इंटरफेस है, याद रखो कि कंपेयर इसमें अगर कुछ कभी आप देखो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन जो लिस्ट बना हुआ है वो किसी एम्प्लॉय क्लास या किसी क्लास से रिलेटेड है, ठीक है, एरे लिस्ट ले लो या फिर आप लिंक कोई अदर लिस्ट लेते हो, लिस्ट का कोई भी आप यूज करते हो, और वहां पर आप यहाँ पर कस्टम कोई क्लास आप पास करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इम्प्लॉय ले लिया या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, ठीक है, तो और जो भी आप क्लास पोजो क्लास बनाओगे, तो अब क्या करना है आपको, इस पोजो क्लास में जाना है, ठीक है, इस पोजो क्लास में गए, यहां पर जाने के बाद आपको एक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंपेरेबल इंटरफेस, और वहां पर सेम क्लास जो भी है उसी क्लास का नेम आप यहां दे दो, ओके, आने के बाद सबसे लास्ट में आप देखोगे तो एक मेथड है यहां पर, ये मेथड बेसिकली क्या है, कंपेयर टू, जो कि कहां पर है, कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर, ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर, एक कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर में एक मेथड है कंपेयर टू, ओके, इस मेथड का काम क्या है कि अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करते हो तो ये आप डेटा को सॉर्ट करके रिटर्न करेगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा इसमें, इंप्लॉय ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है, क्योंकि ये कंपेयर टू में एक पैरामीटर पास करनी है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब हमने लॉजिक क्या लिखा, देखो यहां पर एज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, दिस डॉट एज, दैट मीन्स कि अभी जो करंट क्लास है, करंट क्लास में जो भी एज है, ओके, उस एज फील्ड को हमने यूज किया, उस एज फील्ड माइनस, ये जो माइनस देख रहे हो आप, माइनस ओ, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो इसका नेम ओबीजे, ओके, ओबीजे डॉट एज, ओके, आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप सिंपली क्या करो, दिस डॉट गेट एज, ओके, ओबीजे डॉट गेट एज, ठीक है, एक ही चीज है जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या आप कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हमने एक मेथड यूज किया गेट एज, ठीक है, और इससे पहले क्या कर रहे थे हम, डायरेक्ट इस फील्ड को यूज कर रहे थे, इस फील्ड को डायरेक्टली यूज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि सेम ही क्लास है तो हम प्राइवेट फील्ड को या किसी भी फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, सपोज कीजिए कि फर्स्ट का एज है, ठीक है, जो करंट एज है वो, ये मेथड बेसिकली क्या करता है, कंपेयर टू क्या रिटर्न करता है, कंपेयर टू रिटर्न करता है माइनस वन, ठीक है, आई मीन माइनस वन नहीं, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव वैल्यू जीरो एंड प्लस वन, ठीक है, इस फंक्शन को चाहिए ये इस फॉर्म में, ठीक है, माइनस वन जीरो एंड प्लस वन, ठीक है, माइनस वन अगर रिटर्न करता है डेट मीन्स वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, जीरो है डेट मीन्स ये उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, और ये लार्ज वैल्यू, ठीक है, और ये है मीडियम, आई मीन इसको क्या कहोगे आप, जो कि सेम पोजीशन पे है वो, ठीक है, इसका पोजीशन जो होगा आप रख लो इसको स्मॉल लार्ज, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मीडियन वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आप देखो कि जैसे हमारा यहां पर वैल्यू प्रिंट हुआ था, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये जो भी उसको वैल्यू था, ठीक है, 20, और इस दोनों में कंपेयर किया, ठीक है, इस दोनों में कंपेयर किया तो जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, जो आउटपुट निकलेगा इसके एज में और इसमें, तो ये किसी प्लस या माइनस, पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू होगा इसका, ठीक है, अगर निगेटिव हुआ तो क्या करेगा वो, निगेटिव हुआ तो इसको पहले रखेगा, इसको बाद में रखेगा, ठीक है, फिर वो इसको कंपेयर करेगा इस वाली वैल्यू से। अभी क्या होगा, जैसे ही कंपेयर करने के बाद वैल्यू अगर निगेटिव में आता है या पॉजिटिव में आता है, ठीक है, तो उसके बेस पे वो सॉर्ट करता है ये, ठीक है,
तो इसका हम थोड़ा सा देखते हैं थ्योरी पार्ट। ठीक है, जावा प्रोवाइड्स टू इंटरफेस टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स ओके यूजिंग डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। ठीक है, यूजिंग डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो जो डेटा मेंबर्स की बात हो रहा है, जैसे इंप्लॉय क्लास में डेटा मेंबर क्या है, नेम एज एड्रेस। ठीक है, तो उसके बेस पे ये सॉर्ट करेगा। सो वी हैव कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। ठीक है, ये दोनों इंटरफेस है। ठीक है, सो कंपेरेबल इंटरफेस क्या करता है, कंपेरेबल ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग इट सेल्फ विद अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, दैट मीन्स कि फर्स्ट टाइम वो आया और एज को इस ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा ये बाकी सारे से। ठीक है, पहले खुद को खुद से कंपेयर किया तो 20 था, यानी कि रिटर्न हुआ 0, तो वो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। फिर इस 20 को कंपेयर किया 30 से, ओके, तो कंपेयर कैसे किया, माइनस करके। ठीक है, यानी कि लिखा इसने कुछ इस तरह से, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 20 माइनस 20 किया इक्वल टू 0। ओके, कुछ इस तरह से कंपेयर करता है बेसिकली। फर्स्ट टाइम 20 माइनस 20 0 आया, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 20 माइनस 30 ओके इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 आया, डेट मीन्स माइनस वन आया, डेट मीन्स जो ये वैल्यू है ये स्मॉल है। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू है तो इसको पता चलेगा कि ठीक है अभी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल वैल्यू है, डेट मीन्स इस केस में ये कोई चेंज नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर थर्ड इटरेशन में इंटरनली ये सब इंटरनली हो रहा है। ठीक है, 20 माइनस 10 ओके, तो क्या आया इसकी जो एक्चुअली आप देख रहे होंगे ये 1 तो है नहीं। ठीक है, आई मीन इसलिए मैं 1 नहीं ले, इसमें माइनस है कि निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और यहां पर 10 आया, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू आया, डेट मीन्स कि जो करंट है वो स्मॉल है, और आई मीन लार्ज वैल्यू है, और ये जो था स्मॉल वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, इसको स्वैप कर देगा। ओके, ये दोनों चेंज कर देगा एक दूसरे से। ठीक है, तो यहां पर स्वैप होकर के ये आ गया 10, और इसमें कोई चेंज नहीं था, और ये दूसरा यहां पर आ गया। ठीक है, तो इंटरनली कुछ इस तरह से वर्क करता है। ओके, सो ये वही कह रहा है कि अ कंपेरेबल ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग इटसेल्फ विद अनदर ऑब्जेक्ट। द क्लास इटसेल्फ मस्ट इंप्लीमेंट, द क्लास इटसेल्फ, इटसेल्फ मींस इंप्लॉय क्लास है, तो वो मस्ट इंप्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस। और कंपेरेबल इंटरफेस कहां है, java.lang पैकेज में है, टू कंपेयर इटसेल्फ। ओके, That means कि आप कंपेरेबल इंटरफेस को तब यूज करोगे जब आप खुद के क्लास को आप किसी और ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, ये कंपेरेबल समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो कंपेरेबल पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कंपेरेटर देखेंगे। सो अभी हमने क्या किया, सॉर्ट किया किस बेस पे, एज के बेस पे। ठीक है, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन एज। ओके, नाउ ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास में बेसिकली हमने सॉर्ट किया अभी एज के बेस पे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, बेसिकली सॉर्ट करना है नेम बेस पे। ठीक है, नेम के बेस पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में आए और इसी मेथड को ओवरराइड करना होगा। ठीक है, दैट मींस इसी मेथड को ओवरराइड करेंगे, लेकिन कैसे, इसको कमेंट बनाने के बाद। ठीक है, दैट मींस कि आप इस मेथड को फिर से यूज करोगे और आप लॉजिक लिखोगे डिफरेंट। ओके, आप लॉजिक लिखोगे डिफरेंट, सॉर्ट बेस्ड ऑन नेम। ओके, सॉर्ट बेस्ड ऑन नेम। तो अब क्या है यहां पर, दिस डॉट, अब नेम जो करना है आपको, तो वो कैसे करोगे, अब ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, ये लॉजिक यहां पर नहीं लगेगा, लॉजिक यहां पर कुछ और लगाना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एज हमें इंटीजर वैल्यू था, तो हमें पता था कि
इंटीजर वैल्यू जब भी रिटर्न करेगा तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए, इंट वैल्यू। नाउ हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम, ओके डॉट, इसमें एक मेथड होता है कंपेयर टू, ओके स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड होता है कंपेयर टू, जो क्या करता है बेसिकली अनदर स्ट्रिंग कंपेयर करके ये माइनस रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ओ डॉट ओबीजे डॉट नेम, ओके हो गया, ठीक है। तो अब जो है लॉजिक हमने लिखा वो क्या लिखा, बेस्ड ऑन नेम, ठीक है। तो नेम के बेस पे अभी क्या हुआ, ये सॉर्ट करेगा, ओके एक बार प्रोग्राम चलाते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इंप्लॉय क्लास में चेंज करेंगे, उससे हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी आप आउटपुट देखोगे तो क्या हुआ, आउटपुट सॉर्ट हुआ नेम ये, लेकिन किस बेस पे हुआ है, नेम के बेस पे सॉर्ट हुआ है, ठीक है। जो आउटपुट है पहले क्या था, नेम इक्वल टू वरुण, एंड दूसरा इंप्लॉय का नेम था कुणाल, तीसरे इंप्लॉय का नेम था चंदन, ठीक है। अब जो सॉर्ट हुआ है वो क्या हुआ, नेम इक्वल टू चंदन, फिर दूसरे इंप्लॉय का नेम है कुणाल, एंड थर्ड वन वरुण, ठीक है। तो ये नेम जो ये सॉर्ट किया है, ये बेसिकली किस बेस पे किया है, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट किया है, ठीक है, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट किया है इसको। एज देखोगे तो एज अभी क्या है, 10 है, 30 है, एंड 20 है, ठीक है। दैट मींस एज में अब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई सॉर्टिंग नहीं हुआ, सॉर्टिंग किस बेस पे हुआ, अभी नेम के बेस पे, ठीक है। सो कंपेरेबल इंटरफेस क्या करता है, वो खुद के ऑब्जेक्ट से कंपेयर करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। ये जो ऑब्जेक्ट है ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस लगाया हमने, दैट मींस अपने क्लास के वैल्यू को किसी और के क्लास के, किसी और क्लास के वैल्यू से कंपेयर करता है, ठीक है। तो इसके लिए जब जब कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, एक चीज याद रखना, जब कोई स्ट्रिंग हो तो हम क्या यूज करेंगे, कंपेयर टू यूज करेंगे, ठीक है। कंपेयर टू यूज करके हम रिटर्न कराएंगे वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको, इस लॉजिक को कुछ अलग ढंग से भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, ये सिंपली है कि ये रिटर्न करता है किसी ने कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो आपको हमेशा यही सोचना है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपको अगर याद नहीं आ रहा कि ये क्या है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यू हैव अनदर ऑप्शन, ठीक है, क्या, इफ, आप इफ के साथ कर लो, आई मीन रिटर्न कराना है आपको निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा चीज आप लिख सकते हो, रिटर्न रिटर्न दिस डॉट नेम डॉट हैश कोड, ठीक है। आप हैश कोड के बेस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, माइनस ओबीजे डॉट नेम डॉट हैश कोड, ठीक है। इस बेस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, बट हैश कोड पे सॉर्ट करना ये सही नहीं होता है। हमें जब भी सॉर्ट करना चाहिए, अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो कंपेयर टू के साथ करना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर आप, सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सर ये जो हम दिस यहाँ पे ये वो है ना, क्या कहते हैं, कीवर्ड है ना, दिस कीवर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने एम्प्लॉय क्लास में एक वो कंस्ट्रक्टर बना रखा है, इसलिए ना, नहीं नहीं नहीं, या कंपेयर, या फिर वो जो ये जो कंपेरेबल जो इंटरफेस है इसके अंदर भी कोई कंस्ट्रक्टर है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखो अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तुम्हें मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इंटरफेस है, तो इंटरफेस में कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, ओके हाँ उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, ये तो पता है, लेकिन फिर ये दिस कीवर्ड का यहाँ पे यूज कैसे हो रहा है, ओके एक्चुअली दिस का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस एंड सुपर, ठीक है, दो चीज होता है, ठीक है, दिस एंड सुपर, ठीक है। तो दिस क्या करता है, दिस यूज होता है सेम क्लास के लिए, ओके। अगर इंप्लॉय क्लास के किसी भी फील्ड को अगर यूज करना चाहते हो, किसी भी फील्ड को, तो तुम क्या यूज करोगे, दिस यूज करोगे। अगर यही सुपर क्लास होता, ठीक है, अगर इंप्लॉय क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रहा होता और उस क्लास के किसी फील्ड को आप यूज करना चाहते हो, फील्ड या किसी मेथड को, तो आप क्या यूज करते, सुपर, ओके।
अब क्वेश्चन ये है कि दिस एंड सुपर है क्या, ये दोनों क्या है कि करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, करंट इंस्टेंस है। करंट इंस्टेंस मींस कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो करंट इंस्टेंस फॉर एग्जांपल वहां पर इंप्लॉय ई वन मिला उसको, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ई वन क्लास में, ई वन में गया और ई वन में जो भी होगा, आई मीन ये तुम इतना समझो कि करंट ऑब्जेक्ट करंट इंस्टेंस को लिया और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से वो कंपेयर कर रहा है। यहां पर करंट ऑब्जेक्ट को करंट वैल्यू उस क्लास में सेट हुआ क्या, जो भी उसमें सेट होगा। तो फॉर एग्जांपल करंट वैल्यू वहां पर क्या था, फर्स्ट टाइम सेट हुआ इसमें नेम इक्वल टू वरुण। तो अब क्या करेगा, दिस डॉट नेम का मतलब होता है कि वरुण, ओके, करंट ऑब्जेक्ट उसको है वरुण, क्योंकि प्रोसेस जो कर रहा है वो इंटरनली, तो इंटरनली प्रोसेस कर रहा है वरुण से लेकर वरुण को। अब वरुण को लिया और ये इंप्लॉय, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रन टाइम पे वैल्यू देगा। तो फर्स्ट टाइम रन टाइम पे वैल्यू खुद को ही देगा, सेकेंड टाइम रन टाइम में इस इंप्लॉय में क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। थर्ड टाइम इसी इंप्लॉय में क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बट दिस जो है हमेशा क्या रहेगा, जो स्टार्टिंग में सेट होगा करंट वैल्यू वो रहेगा, ओके। तो सेल्फ को कंपेयर करेगा वो सारे से, ठीक है। तो दिस का यूज क्या है कि सेल्फ के लिए, मतलब करंट वैल्यू, ओके। एक बार दिस को और सुपर को फिर से देखना घर पर कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये है कि दिस जब हम यूज करते हैं डेट मीन्स करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है, करंट इंस्टेंस को रेफर करता है, ठीक है। तो लॉजिक इसका सिंपल है, दिस डॉट नेम और ये यूज करके हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी भी ये सॉर्ट करके दे रहा है, ठीक है, जबकि हमने क्या यूज किया अभी, हैश कोड, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो इतना पता है कि हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड होता है, ठीक है। तो अगर वहां पर कुछ भी याद नहीं आ रहा है, अगर इंटरव्यू में या फिर आप जब प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो हैश कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट हैश कोड क्या है, जनरली हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, कंपेयर टू, ओके। हैश कोड इसलिए नहीं यूज करते हैं कि जब भी आप पोजो क्लास बनाते हो, ठीक है, तो हम बेसिकली उस पोजो क्लास में हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो इस वजह से हम हैश कोड को नहीं यूज करते हैं। हैश कोड हो सकता है कि दो हैश कोड सेम हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, कंपेयर टू यूज करोगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट ऑप्शन है, आप इसको यूज करो और ये सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है, इतना समझ में आया कि एज के बेस पे कैसे सॉर्ट हुआ, ओके, नेम के बेस पे सॉर्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम कंपेरेबल इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है, तो तुम एट ए टाइम कोई एक ही चीज कर सकते हो, ओके। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंपेरेबल और कंपेरेटर इंटरफेस का यूज क्या है, ठीक है, कहां पर हम कंपेरेबल यूज करते हैं और कब कंपेरेटर यूज करते हैं। अभी प्रॉब्लम तुम्हें एक चीज समझ में आया होगा कि बेस्ड ऑन एज या बेस्ड ऑन नेम तुम कोई एक ही चीज कर सकते हो एट ए टाइम। ये तो समझ में आ रहा है, राइट, कि आप जो सॉर्ट करोगे तो या तो नेम के बेस पे सॉर्ट होगा यहां पर या फिर एज के बेस पे सॉर्ट होगा, ठीक है, कोई एक ही चीज होगा एट ए टाइम, ओके, यहां पर। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम दोनों चीज को एक ही बार में करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फर्स्ट पहले नेम हो उसके बाद एज हो, और हम इस क्लास को मॉडिफाई भी नहीं करना चाहते, इस क्लास में जाकर के इसको कॉमेंट भी नहीं बना सकते, क्योंकि सपोज करो जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप एक बार जो कोड लिख दिया वो लिख दिया, आप दोबारा जाकर के कोड को कुछ चेंज नहीं करोगे आप, राइट, कोड में जाकर के फिर से आप इसको कॉमेंट बना रहे हो फिर अनकॉमेंट बना रहे हो, ये चीज आप नहीं कर सकते, है ना, एक बार जो आपने लिखा वो लिखा, ठीक है। तो आप इस चीज, तो वो प्रॉब्लम है, तो उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे हम, उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है, कंपेरेटर इंटरफेस जो क्या करेगा, बेसिकली इसके जो डिमेरिट्स है उसको सॉल्व करता है वो कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है। तो जब भी अभी नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी कंपेरेटर इंटरफेस हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन लगेगा, बट अभी आप देखना, ठीक है। तो कंपेरेटर इंटरफेस क्या है, अनलाइक कंपेरेबल कंपेरेटर इज एक्सटर्नल टू द एलिमेंट टाइप वी आर कंपेयरिंग, ठीक है। दैट मींस कि कंपेरेटर इंटरफेस क्या है, वो एक्सटर्नल है, आप ये नहीं, अब जैसे कंपेरेबल में क्या था कि कंपेरेटर द क्लास इटसेल्फ
the class itself must implements comparable interface. I mean that means कि अगर आप employee class के employee data को sort करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको इसी class में आपको क्या करना होगा, basically इस class में जाने के बाद इसको आपको implement करना होगा comparable interface. But comparator के साथ ऐसा नहीं है. Comparator जो है externally call होता है, उस class में आपको कुछ भी modify करने की requirement नहीं है. It is a separate class. We create multiple separate classes that implements comparator, okay, to compare different members. ठीक है, हम अलग से class बनाते हैं और उस class में comparator को हम implement करते हैं और वहां पर logic लिखते हैं, ठीक है, कि आपको name के base पे sort करना है, age के base पे sort करना है या कैसे करना है, ठीक है. So collection class has second sort method and it takes comparator. ठीक है, तो sort method है जो comparator लेता है, ठीक है, और ये हम देखते हैं अभी, ठीक है. अब क्या है इस दोनों में डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस हम देखते हैं अभी, हम पहले थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है. सो ये चीज समझ में आ गया, राइट. यहां पर हम जाकर के लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, कि आपको किसके बेस पे सॉर्ट करना है, ठीक है. तो बेसिकली जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट बिहेवियर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं कंपेरेबल के थ्रू, ठीक है. तो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि हम नेम के बेस पे सॉर्ट करने जा रहे हैं, तो हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बना, एक अलग से बनाते हैं हम पैकेज, कॉम डॉट कलेक्शन एपीआई डॉट डॉट कलेक्शन, कलेक्शन भी है, कलेक्शंस डॉट सॉर्टिंग, ओके, सॉर्टिंग करके हम बना रहे हैं यहां पर. और हम क्या कर रहे हैं, नेम कंपेरेटर, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं नेम कंपेरेटर, ठीक है, नेम कंपेरेटर बनाया, ओके किया, ठीक है. तो एक पैकेज में हमने बना दिया नेम कंपेरेटर, ठीक है. इसी क्लास पैकेज में हम दूसरा क्लास बनाएंगे जहां डालेंगे एज कंपेरेटर, ठीक है, एज कंपेरेटर, ओके. उसके बाद हम इसी क्लास में एक और बनाएंगे, आई मीन जैसे जैसा रिक्वायरमेंट है आप वो डाल सकते हो, ठीक है, एड्रेस कंपेरेटर, ठीक है. तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसी तरह से सारे क्लासेस बना देते हैं, ठीक है, नेम कंपेरेटर, एज, जो भी है जितने भी फील्ड्स है उस टाइप से हम बना देते हैं, ठीक है. अब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नेम वाले में आते हैं, तो हम क्या करें, यहां पर इस क्लास को हम क्या कराते हैं, इंप्लीमेंट कराते हैं, इंप्लीमेंट्स कंपेरेटर, ठीक है. यहां पर कंपेरेबल नहीं यूज करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे, कंपेरेटर इंटरफेस. और ये कंपेरेटर इंटरफेस कहां पर है, java.util पैकेज में, ओके, याद रखना आप, java.util पैकेज में कंपेरेटर है, कंपेरेबल है java.lang पैकेज में, ठीक है. जैसे हम इंप्लीमेंट करा रहे हैं तो यहां पर क्वेश्चन आ गया कि आप किसी को कराओ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम बेसिकली जो करा रहे हैं तो हम किसके बेस पे करा रहे हैं, इंप्लॉई के बेस पे, ओके. तो ये आपको याद रखना है इसमें कि इंप्लॉई क्लास के बेस पे हम ये चीज करा रहे हैं, ठीक है. तो इंप्लॉई को इंपोर्ट किया, अब जैसे ही इंपोर्ट किया तो ये कह रहा है कि कुछ ओवरराइड करने के लिए, ठीक, इंप्लीमेंट करने के लिए. तो हम देखते हैं कि कंपेरेबल इंटरफेस में क्या है लिखा हुआ, ठीक है. तो कंपेरेटर इंटरफेस में, कंपेरेटर इंटरफेस भी सेम है कंपेरेबल जैसा. इस क्लास में क्या क्या है, इस इंटरफेस में एक है इक्वल्स मेथड, ठीक है, इस इंटरफेस में एक इक्वल्स मेथड है, दूसरा है डिफॉल्ट कंपेरेटर, ठीक है, डिफॉल्ट बनाया इसने, और इसमें काफी सारे मेथड्स है, ठीक है, जो डिफॉल्ट बनाया हुआ है, जो डिफॉल्ट बनाया है, ठीक है. तो एक चीज याद रखने की चीज है, यहां लिखा हुआ है सिंस 1.8, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं वो जावा 1.8 यूज कर रहे हैं, ठीक है. इसका अगर आप देखोगे जेडीके, तो अभी जेडीके क्या है, 1.8 है. यहां पर देखो आप जेआरई जो हम लोग यूज कर रहे हैं 1.8 यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो इस वजह से डिफॉल्ट एक्चुअली 1.8 में, जावा 1.8 में एक नया फीचर आया हुआ है, जो क्या है कि इंटरफेस में, कोई भी इंटरफेस में आप मैथड को इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो मैथड इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन किसके थ्रू, डिफॉल्ट के थ्रू, ठीक है.
तो यहाँ पर देखो एक मेथड बनाया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ओके। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये जावा 8 में है, अगर आप इससे पहले वाला आप कोई भी उठाओगे तो उसमें ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पर ये इम्प्लीमेंटेड नहीं मिलेगा, ओके। तो इसको हम रखने देते हैं, हम नॉर्मल देखते हैं कि इस क्लास में क्या है, इसको हम एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करते हैं। दैट मीन जैसे ही हमने किया था सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में उस इंटरफेस में एक ही मेथड है, वो है कंपेयर मेथड, ओके। इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है और वो है कंपेयर, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था, कंपेयर टू था, ओके। इससे पहले वाले में क्या था, कंपेयर टू मेथड था, लेकिन अभी जो है हमारे पास उसमें क्या है, कंपेयर मेथड है, ठीक है। तो ये याद रखनी है कि आप जब कंपेरेटर इंटरफेस यूज करते हो देन वी हैव कंपेयर मेथड, ओके। तो कंपेयर मेथड में क्या है, बेसिकली इसका आर्गुमेंट क्या है, दो ऑब्जेक्ट लेता है, एम्प्लॉय वन एंड एम्प्लॉय टू। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ये कंपेयर करेगा एक दूसरे से, ठीक है। अब इसमें लॉजिक हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है, लॉजिक जो हमारा होगा वो सेम होगा, o1.name। अब यहां पर डायरेक्टली नेम आप कॉल नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि नेम जो वहां पर हो प्राइवेट फील्ड है, ठीक है। अब गेट नेम करोगे डॉट कंपेयर टू o2.getName, ओके। तो लॉजिक हमारा हो गया, ये क्या कर रहा है, बेसिकली सॉर्ट कर रहा है किसके बेस पे, नेम के बेस पे, ओके। नेम कंपेरेटर है तो नेम सॉर्ट किया, ठीक है। इसी तरह आप आ जाओ एज के बेस पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, आप फिर से देख लेना, फिर से हम लिख रहे हैं इंप्लीमेंट्स कंपेरेटर, ठीक है, और यहां पर डालेंगे इंप्लॉय, ओके, क्योंकि हम इंप्लॉय क्लास के लिए बना रहे हैं। इंप्लॉय लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली एज कंपेरेटर को कॉल करेंगे, ओके। यहां पर कुछ बन के आया, हम क्या करेंगे, बेसिकली अब एज के बेस पे सॉर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो ओ वन डॉट गेट एज माइनस ओ टू डॉट गेट एज, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, तो हमें इसमें कोई लॉजिक लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ थर्ड है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस के लिए भी हम क्या करेंगे, बेसिकली इंप्लीमेंट्स। तो इसी तरह से जितना भी हम सॉर्टिंग करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ओके। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको इसी तरह से काम करना है, ठीक है। एंड इसमें भी गए हम एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है, पब्लिक इंट कंपेयर टू, और यहां पर क्या है कि दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे यहां पर भी ओ वन डॉट गेट एड्रेस डॉट कंपेयर टू, ओके, ओ टू डॉट गेट एड्रेस, ठीक है। तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया ये सारे मेथड्स को, ठीक है, सॉर्टिंग के जितने भी मेथड्स था इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम वापस टेस्ट क्लास में, ठीक है। चंदन एक क्वेरी है यहाँ पे, एक बार एड्रेस कंपेरेटर डॉट जावा में जाइएगा क्लास में, ओके। यहाँ हम नीचे रिटर्न टू गेट एड्रेस करा रहे हैं, बट हम ऊपर पब्लिक इंट में एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय ओ टू ही क्यों ले रहे हैं, ओके। एक्चुअली क्या है ना, जब हम इस तरह से कंपेरेबल कंपेरेटर में हम एम्प्लॉय पास करते हैं, ठीक है, जब भी कोई क्लास हम पास करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, जो कि कंपेयर टू मेथड में, एक्चुअली कंपेयर टू मेथड को दो पैरामीटर चाहिए, ठीक है, और ये दो पैरामीटर क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम क्लास का होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर कि कंपेरेबल कंपेरेटर क्या करता है, बेसिकली वी क्रिएट सेपरेट क्लास डेट इंप्लीमेंट्स कंपेरेटर टू कंपेयर बाय डिफरेंट मेंबर्स, ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स। अब क्या है, डिफरेंट मेंबर्स क्या होगा, अब जैसे इससे पहले वाले में हम क्या करते थे, हमारे पास ऑलरेडी क्लास था, जैसे हम क्या करते थे, हमारे पास ऑलरेडी इंप्लॉय नाम का एक क्लास है, तो हम दिस कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते थे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रीड कर लेते थे, उस क्लास के डेटा को रीड करते थे दिस के थ्रू, एंड एक सेकेंड ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता था इंप्लॉय के थ्रू, तो इन दोनों को हम कंपेयर करा लेते थे। बट अब अगर नेम या एड्रेस की बात करो, तो यहां पर क्या है कि ये क्लास ही दूसरा है, ओके, क्लास ही दूसरा है, तो यहां पर दिस लगाने से तो मिलेगा नहीं डेटा, ओके, यहां पर दिस लगाओगे तो इस क्लास में वैसा कोई फील्ड है ही नहीं, ओके, समझ पा रहे होगे कि अगर मैं यहां दिस डॉट करता, दिस डॉट
गेट एज या कुछ भी, तो वो है ही नहीं, ठीक है। हमने इंटीजर, इंटीजर क्या, ओके आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। इंटीजर का क्या है कि ये इंटीजर जो है बेसिकली क्या है, इस मेथड का डेफिनेशन है, आई मीन ये जो कंपेयर मेथड है, ये कंपेयर मेथड को इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करानी है। ये रिटर्न जब भी होगा वो इंटीजर वैल्यू ही होगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू इसलिए होगा कि इसका ही बेसिक लॉजिक जो है इंटरनल वो वही है, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। इसी के बेस पे वो सॉर्ट करता है, ठीक है, इसी के बेस पे वो सॉर्ट करता है कि जब अगर अगर वो पर्टिकुलर क्लास कोई निगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है तो उस चीज को वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो इसी के बेस पे सॉर्ट करता है, ठीक है। अब अभी सॉर्टिंग इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी जस्ट मैं बता रहा हूं कि ये कैसे हुआ है। अब हम जब एक्चुअल क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे इसको, तो अभी देखो आपने क्लास बनाया एड्रेस, ये तीनों हमने क्लास बना लिया, नेम, एज और एड्रेस, ठीक है, लेकिन इसका हमने यूज नहीं किया अभी तक, ओके, इसका यूज नहीं किया। अब हम आते हैं टेस्ट क्लास में, और टेस्ट क्लास में आने के बाद, ठीक है, वहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। टेस्ट क्लास में आए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक इंप्लॉय का एरे लिस्ट बनाया, इंप्लॉय ऐड कर दिया इसमें, बिफोर सॉर्टिंग में प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। अब आफ्टर सॉर्टिंग, अब जो सॉर्ट होगा बेसिकली हमारा, वो क्या होगा, कुछ इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या करना है बेसिकली, ये तो डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है, डिफॉल्ट में आप चाहते हो किसी एक के बेस पे हो गया, ठीक है, तो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन आप कुछ इस तरह से करा सकते हो, बट हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा सॉर्टिंग करने का तरीका है सॉर्ट बेस्ड ऑन नेम, ठीक है, बेस्ड ऑन नेम। तो अब नेम के बेस पे हम सॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कलेक्शन, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ओके, और इसमें हम पास करेंगे ई लिस्ट, इंप्लॉय लिस्ट, ओके, फर्स्ट इंप्लॉय लिस्ट हो गया, कॉमा। अब हम यहां पर बेसिकली वो पास करेंगे जो आप चाहते हो, ठीक है, नेम, नेम कंपैरेटर, ठीक है, हमने बनाया था एक नेम कंपैरेटर, ठीक है। ये चीज जो टेक्निक आप देख रहे हो ये बेसिकली अप्लाई होगा, ओके, आप चाहते हो सॉर्ट बेस्ड ऑन नेम, तो यहां पर नेम प्रिंट करेगा, सिस आउट सॉर्ट बेस्ड ऑन नेम, ओके, तो नेम के बेस पे सॉर्ट किया, ओके, हम प्रिंट कर देंगे यहां से, ओके, नाउ इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या, सॉर्ट करें किसके बेस पे, एज के बेस पे, ठीक है, सॉर्ट बेस्ड ऑन एज, ओके, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहां पर क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे न्यू एज कंपैरेटर, ठीक है। तो अब जो यहां पर आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एज के बेस पे सॉर्ट करके देगा हमें, ओके। नाउ नेक्स्ट वन हमारा क्या है, सॉर्ट बेस्ड ऑन एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, तो अब क्या होगा हमारा, एड्रेस के बेस पे सॉर्ट होगा, ठीक है। इस चीज को आप आज इतने अच्छे से समझ सकते हो, आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये है डिफॉल्ट सॉर्टिंग, ठीक है, आप यहां डाल दो डिफॉल्ट सॉर्टिंग, ठीक है। तो डिफॉल्ट सॉर्टिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिस आउट डिफॉल्ट सॉर्टिंग, ठीक है, तो डिफॉल्ट सॉर्टिंग हमने कर दिया, यहां सॉर्ट किया, और इसको प्रिंट कर दो आप, ओके, ठीक है। तो अब कंप्लीट हमारा हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल सिंगल सॉर्ट यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सिंगल सॉर्ट में जो हम जिस चीज का हम क्लास बनाए हो, तो इंप्लॉय क्लास में गए, और इंप्लॉय क्लास में बेसिकली कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके हम एक लॉजिक लिख देते हैं कि ठीक है, डिफॉल्ट सॉर्टिंग हमारा होगा नेम के बेस पे, ठीक है। तो नेम के बेस पे आपने डिफॉल्ट सॉर्टिंग कर दिया, ठीक है, डिफॉल्ट सॉर्ट बेस्ड ऑन नेम, ठीक है। ये एज वाला चीज था, इसको आप, इसको हम नहीं यूज करते हैं, हमने डिफॉल्ट सॉर्टिंग बेस्ड ऑन नेम कर दिया, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि डिफॉल्ट सॉर्टिंग का मैकेनिज्म अगर इंप्लीमेंट करना है आपको,
तो आप क्या यूज करोगे, कंपेरेबल यूज करोगे, बिकॉज इसमें एट ए टाइम कोई एक ही चीज कर सकते हो, ठीक है, किसी एक फील्ड पे ही आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप कंपेरेबल इंटरफेस यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपेरेटर बना लेते हो आप, एज कंपेरेटर, नेम कंपेरेटर, एड्रेस कंपेरेटर, ठीक है, और आप सॉर्ट मेथड में वो चीज पास करते हो तो उसके बेस पे वो सॉर्ट करता है, ठीक है। अब रन करके हम चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट कुछ हमारा इस तरह से आया, ठीक है। आउटपुट क्या है हम थोड़ा देखते हैं इसको, बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, बिफोर सॉर्टिंग था, ओके। डिफॉल्ट सॉर्टिंग, डिफॉल्ट सॉर्टिंग हमने नेम के बेस पे किया था, तो नेम आ गया यहां पर चंदन, एंड देन दूसरे में कुणाल, एंड देन वरुण, ठीक है। अब थर्ड वन था हमारा सॉर्ट बेस्ड ऑन नेम, तो नेम के बेस पे इसने सॉर्ट कर दिया है, ओके, आप देख रहे हो यहां पर सॉर्टिंग हो गया है। एज के बेस पे सॉर्ट कर दिया, यानी कि 10 पहले आया, 20 एंड देन 30, ओके। अब एड्रेस के बेस पे सॉर्ट किया, ठीक है, यानी कि डी पहले आता है तो दिल्ली, ओके, बाद फिर जयपुर, फिर मुंबई, ये सारे जो सॉर्टिंग है ये सब क्या है, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो आप लॉजिक चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको किस तरह से सॉर्ट करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, जैसे अगर आपने जैसे यहाँ पे एड्रेस के बेस पे सॉर्ट किया, मान लीजिए एड्रेस थोड़ा लंबा है, सिर्फ कीवर्ड नहीं है, सिटी का नाम नहीं है, मींस उसमें फ्लैट का नंबर भी है, फिर सिटी भी है, और फिर आपकी गली के नंबर भी है, तो मतलब वो उस पूरी स्ट्रिंग को कैसे सॉर्ट करेगा? वो पूरी स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा ना बेसिकली, अब देखो यहाँ पर जैसे दिल्ली लिखा हुआ, ठीक है, मुंबई है, अब मैं यहाँ पर दिल्ली लिखने के बाद स्पेस देकर के एबीसी फलाना ढिकाना कुछ भी लिखता हूं मैं, ठीक है, बट इससे क्या फर्क पड़ता है, मान लिया इसमें आगे कुछ भी लिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टार्ट करेगा कंपेयर करना इससे, ओके, समझ पा रहे हो? तो डी पहले आया, दैट मींस कि वो सबसे पहले डी को डाल देगा, बाकी चीज को चेक नहीं करेगा वो। एम पहले आया, अब क्या है यहां पर, अगर डी है यहां पर भी क्या होता है, डी होता, ठीक है, मान लिया यहां पर भी दिल्ली लिखा होता, ठीक है, तो अब दोनों सेम हो गया, राइट, तो फिर वो आगे चेक करता है इससे, अब इसको इससे चेक करता है, ठीक है, फिर जो भी मैच होता ना, जहां पर भी जाकर के डिफरेंट मिलता उसको पहले ला देगा वो, समझ रहे हो? ठीक है सर, ठीक, ठीक है। तो ये चीज को, ये सिंपल है, ये नॉर्मल आप जब करोगे ना तो वो चीज हो जाएगा, आप उस पर फोकस नहीं करो अभी, आप ये चीज फोकस करो कि कंपेरेबल कंपेरेटर को कैसे आपने समझा कि नहीं समझा ढंग से, ठीक है। तो ये चीज हमारा सॉर्टिंग का था लॉजिक, ठीक है, जो आज हमने देखा टोटल सॉर्टिंग, ओके, हमने स्टार्ट किया एरे लिस्ट से जिसमें नॉर्मल डेटा डाला, अगर कोई प्री डिफाइंड कोई ऐसा क्लास है, रैपर क्लास आप यूज करते हो, ठीक है, तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं इसमें एक चीज कि ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली क्यों वर्क करता है, ठीक है, ये जो है हम इसमें इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस सॉर्ट के लिए हमने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया, कंपेरेबल या कंपेरेटर, उसके बाद भी इसने सॉर्ट किया, ओके, तो क्यों किया ये सॉर्ट, अब मैं इसका लॉजिक दिखाता हूं आपको, ठीक है। एरे लिस्ट स्ट्रिंग क्लास में, तो स्ट्रिंग क्लास में आप जाओ, ओके, जैसे ही स्ट्रिंग क्लास में जाओगे तो आप देखोगे इस स्ट्रिंग क्लास में क्या हुआ है, एक इंप्लीमेंट हुआ है कंपेरेबल इंटरफेस, ओके, आप समझ पा रहे हो, जैसे इंप्लॉय क्लास में हमने इंप्लीमेंट किया था इंप्लॉय को, इसी तरह स्ट्रिंग ने भी क्या किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है, और यहां पर इसने कहीं पर नीचे जाकर के ओवरराइड किया होगा वो, ठीक है, टू स्ट्रिंग कंपेयर टू को ओवरराइड किया होगा वो, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास, इसीलिए इसी वजह यही वजह है कि आप नॉर्मल जो एरे लिस्ट लेते हो और इसमें कोई वैल्यू डाल करके सॉर्ट करते हो तो ये सॉर्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर था इसका, डिफॉल्ट सॉर्टिंग में हमने कुछ भी पास नहीं किया, नॉर्मल सॉर्ट कर दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सॉर्ट था, ये जो क्लास था हमारा इंप्लॉय क्लास भी कंपेरेबल को इंप्लीमेंट किया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि जितना भी, मतलब एक और चीज जानने वाली चीज है कि जैसे यहां पर स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जितना भी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल कि इंटीजर आप यूज करते हैं, ठीक है, int, इंटीजर क्लास, ठीक है, अगर आप इंटीजर क्लास को यूज करते, INTE,
इंटीजर क्लास, ठीक है, इंटीजर आई इक्वल टू न्यू न्यू इंटीजर, ठीक है। तो सपोज मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हमारा रैपर क्लास है, ठीक है, जैसे ये इंटीजर है, ठीक है, तो आप अब आप अगर एरे लिस्ट बनाते हो, सपोज करो कि एरे लिस्ट बनाया तूने इंटीजर का, ठीक है, इंटीजर, ओके, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके, और इंटीजर, ठीक है, तो इसमें जब वैल्यू ऐड होगा, ठीक है, ऐड यहां पर कुछ भी ऐड करते हो, ठीक है, तो इसको भी ये सॉर्ट करेगा, ठीक है, इसको भी ये जो है इजिली सॉर्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो वो कैसे होगा, ऐड 5, ओके, अब जब यहां पर तुम सॉर्ट लगाओगे तो ये भी सॉर्ट कर देगा, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ओके, ये भी सॉर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर क्लास जो है, ओके, इसको हटाओ, इंटीजर क्लास जो है, ये इंटीजर क्लास क्या करता है, जाओगे यहां पर तो ये क्लास भी क्या करता है, बेसिकली इंप्लीमेंट करता है कंपेरेबल इंटरफेस को, ओके, दैट मींस कि जितना भी रैपर क्लास है, रैपर क्लास समझते हो ना क्या होता है, जैसे हमारे पास कन्वेंशनल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इंट, फ्लोट, डबल, ओके, और कौन सा है, सॉर्ट, ओके, ठीक है, तो ये सारे जो है हमारा क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। जावा ने क्या किया है, जावा ने क्या किया, इन सारे के लिए क्या किया, उसने एक रैपर क्लास बना दिया, ठीक है, क्यों बनाया, बिकॉज जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, तो जो कुछ भी होगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए उसने जावा ने क्या किया, एक रैपर क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, रैपर क्लास क्या है, रैपर क्लास इंट के लिए बना दिया इंटीजर, फ्लोट के लिए बना दिया फ्लोट, एफ कैपिटल होगा, डबल के लिए बना दिया डबल, शॉर्ट के बना दिया शॉर्ट, और इस तरह से जो भी है क्लास वो सारे बना दिया, ठीक है, समझ रहे हो, तो दैट मींस अगर तुम फ्लोट यूज करते हो यहां पर, ठीक है, फ्लोट, तो ये फ्लोट क्लास जो है ना, ये भी इंटरनली इंप्लीमेंट किया हुआ है किस चीज को, कंपेरेबल को, दैट मींस जितना भी रैपर क्लास है वो सारे रैपर क्लास जो है कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, ओके, एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, क्लास हमारा हो गया है सर, अभी आपने कहा कि ये जो रैपर क्लास जो फ्लोट वाला दिखाया था वो एक्चुअली फाइनल क्लास थी, फाइनल क्लास मतलब वो इंप्लीमेंट उसको मतलब एक्सटेंड है ना सर, अगर कोई क्लास फाइनल होता है, ठीक है, तो आप उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हो, इनहेरिट नहीं कर सकते, बट वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, हाँ हाँ, आई मीन कोई क्लास है ना तो क्लास जो सब कुछ कर सकता है, ठीक है, एक क्लास है अगर तो एक क्लास एक्सटेंड कर सकता है, इंप्लीमेंट भी कर सकता है, ठीक है, जैसे ये इंटीजर क्लास है, नंबर को एक्सटेंड करता है, ठीक है, लेकिन ये क्लास क्या है, फाइनल है, दैट मींस कि आप इंटीजर क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, दैट मींस इनहेरिट करके कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, इसलिए इसको फाइनल बनाया है। सेम चीज है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग को भी क्या किया है उसने, फाइनल बनाया है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास को भी फाइनल बनाया है, बट ये क्लास कुछ इंप्लीमेंट करता है कुछ इंटरफेस को, ठीक है, जिसमें एक कंपेरेबल इंटरफेस भी है, ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे थे कंपेरेबल इंटरफेस, तो कंपेरेबल इंटरफेस का को ऑलरेडी जावा ने इंप्लीमेंट करके दिया हुआ है, किस फॉर्म में, रैपर क्लास के फॉर्म में, ओके, लेकिन अब अपना खुद से बनाना है तुम्हें, तो क्या करोगे, कंपेरेटर यूज करोगे, ठीक है, और कंपेरेटर को कैसे यूज करोगे, इस तरह से यूज करोगे, ठीक है, हो गया सर, हो गया। अब इस पे तुम आज प्रोग्राम बनाना इस पे, ठीक है, और कोशिश करना कि इस पे दो तीन डेमो बनाकर मुझे देना है, ठीक है, मैं एक देता हूँ आज और उसको करके देना है, ठीक है, ठीक है, सो रूपल सिल्की आपको कोई क्वेश्चन है,
नहीं चंदन, क्वेश्चन नहीं है, बस आई वांट टू समराइज दिस कंपेरेबल एंड कंपेरेटर. अगर हम कंपेरेबल की बात करें तो इट सॉर्ट्स ओनली वन कॉलम ऑन वन कॉलम एट वन टाइम, राइट 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 राइट. एंड वो इंटरनल क्लास है, उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल क्लास डिफाइन करने की नीड नहीं है. जो भी हमें जिस क्लास को सॉर्ट करना है उसी में ही हम उस कंपेयर टू फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं. राइट राइट. इज इट सो राइट? राइट राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंपेरेटर, तो वी कैन डिफाइन सॉर्टिंग ऑन एवरी कॉलम ऑफ द टेबल एंड वी नीड टू डिफाइन सेपरेट क्लास फॉर ईच कॉलम एज वेल. राइट राइट राइट. इसके रिक्वायरमेंट मेथड है ना? राइट राइट. और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि सपोज करो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको कुछ सॉर्टिंग की टेक्निक्स सेंड करनी है, ठीक है, लेट्स से कि एक मेथड है कोई. We do get that requirement ना, एक टेबल है उसमें चार कॉलम्स हैं तो आपका हर कॉलम सॉर्टेबल होना चाहिए. राइट. तो अगर वैसा कुछ होता है तो उसके लिए हमें कंपैरेटर की नीड होगी. राइट, आप सही जा रहे हो. एंड इसी तरह से होता है, फॉर एग्जांपल कि आप अगर कोर लेवल पे देखोगे तो आप एक मेथड बनाते हो गेट सॉर्टिंग समथिंग, ठीक है, और इसमें आप देते हो स्ट्रिंग सॉर्टिंग टेक्निक, ठीक है, टेक्निक. तो सॉर्टिंग टेक्निक आपने दिया और फिर बेस सम अदर पैरामीटर, ठीक है. अब आने के बाद आप यहां पर लिखोगे इफ सॉर्टिंग, मतलब इस तरह से हम बेसिकली कर लेते हैं, सॉर्टिंग टेक डॉट इक्वल्स, ठीक है, अगर आ रहा है सॉर्टिंग आप करना चाहते हो नेम के बेस पे, ठीक है, तो आप क्या करते हो बेसिकली यहां पर जाकर के आप नेम वाला जो 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 चीज था कोड, आप नेम वाला कोड उसमें डाल दोगे आप, ठीक है, तो नेम के बेस पे हो गया. आप तो इस तरह से कुछ इंप्लीमेंट कर लेते हैं हम, ठीक है, लिख, बट ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप कंपैरेटर यूज करते हो. ओके तो डिफरेंट हाँ है एक्टिव, इसका यूज आपको अभी आगे भी पता चलेगा. आप धीरे धीरे जब कोडिंग करोगे ना तो इसका बहुत ज्यादा यूज है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. चंदन, आई गेस आई एम नॉट गेटिंग माय आंसर व्हाट आई आस्क अर्लियर. लाइक ये जो कंपैरेटर वी आर क्लियर कि कहां पे लगता है, बट जो उससे पहले वाला ऑप्शन है जो डिफॉल्ट वो लग गया, तो वो एज पे ही क्यों लगा? नहीं नहीं नहीं, एज पे नहीं लगा. मैंने क्या कहा कि आप जो है ना डिफॉल्ट पहले ही सोच लो कि आप डिफॉल्ट किस चीज पे कराना चाहते हो. आप एक ऐसा बनाने हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जनरली हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो हम कर लेते हैं, एक हम कह देते हैं कि एक किसी एज किसी एक को डिफॉल्ट बना देते हैं, फॉर एग्जांपल नेम को बना दिया या एज को बना दिया, ठीक है, तो आप लॉजिक उसी के अकॉर्डिंग आप डालोगे यहाँ पर. ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि आपको नेम पे ही करना है, आप एज भी कर सकते हो, आप डिफॉल्ट बना दो एज को, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, कि आपका बिजनेस लॉजिक है कि ओके डिफॉल्ट जो है जैसे ही पेज हमारा लोड हो तो लोड होते ही क्या है एक डिफॉल्ट बिना किसी क्लिक किए हुए डेटा जो है नेम के बेस पे दिखाए सॉर्टिंग करके, होता है ना जैसे वेब एप्लीकेशन में कि जो एक टेबल आया, ठीक है, टेबल में जो डिफॉल्ट एक सॉर्टिंग करके आ जाता है कोई ना कोई, उसके बाद भी सॉर्टिंग टेक्निक होता है, आप बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बेस पे एड्रेस नेम के बेस पे सॉर्ट कर देता है वो, तो वो चीज इंप्लीमेंट कैसे कराओगे आप डिफॉल्ट? तो आप उसके लिए कंपेरेबल इंटरफेस यूज कर सकते हो और उसमें आप लॉजिक लिख दो उसके हिसाब से. यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको नेम पे ही करना है, आप हो सकता है डिफॉल्ट आप एड्रेस को बना लो, तो आप यहाँ पर एड्रेस वाला लॉजिक लिख दो, आप समझ रहे हो? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप इसको इस पे प्रोग्राम बनाना, अभी आज मैं दूंगा एक छोटा सा इस पे जो कि असाइनमेंट जो कि आज ही आपको बनाना है, ठीक है, कल के क्लास से पहले वो चाहिए हमें, इसी तरह से जानते हैं उसमें कर. सर सर वीडियो शेयर कर दीजिएगा या तो YouTube पे या तो जैसा पर. ये आज तो नहीं शेयर कर पाऊंगा मैं, लेकिन ये प्रोग्राम मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रोग्राम, ठीक है, मैं प्रोग्राम ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वीडियो वो करने में इसको कन्वर्ट करना होता है और उसमें टाइम लगता है उसमें, ठीक है, तो मैं ये जो डेमो ये डेमो मैं शेयर कर दूंगा, और बट कोशिश करना कि इससे हेल्प नहीं लेने का, खुद से कोशिश करना करने का, क्योंकि मैं इसी तरह से एक एग्जांपल okay, वो सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, तो तुम कोशिश करना खुद से करने का, ठीक है,
इतना तो समझ में आ गया ना, जैसे साथ ही साथ अब जैसे मैं वैसे एक जाना, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो तुम साथ ही साथ तो इसका ये सब लिखते होगे ना कहीं पर तुम, या नहीं लिखते हो? लिखते हैं। हाँ, नोट्स ना साथ ही साथ तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हो राइट, कुछ दिन बाद जब देखोगे ना तो तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि ये चीज क्या है, कैसे करते हैं। तो नोट्स अगर रेडी रहेगा ना तो तुम उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है? तो जब मैं कर रहा होता हूँ तो उस टाइम छोटा सा नोट्स भी तैयार करते रहो, ठीक है, कि कैसे आप कैसे क्या करते हो इसमें, ठीक है? तो वो हेल्प करेगा, ठीक है? तो कोशिश करना कि खुद से करने का, ओके? अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्या है और फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है? डिफरेंस है, कंपेरेबल प्रोवाइड सिंगल सॉर्टिंग सीक्वेंस, इन अदर वर्ड वी कैन सॉर्ट कलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ सिंगल एलिमेंट सच एज आईडी, नेम, प्राइस एटसेट्रा, ठीक है? कंपेरेटर प्रोवाइड्स मल्टी सॉर्टिंग सीक्वेंस, ठीक है, वी कैन सॉर्ट कलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ मल्टीपल एलिमेंट सच एज नेम, आईडी, प्राइस, ठीक है, मल्टीपल चीज पे आप एक ही बार में सॉर्ट कर सकते हो। कंपेरेबल अफेक्ट द ओरिजिनल क्लास, ठीक है, एक्चुअल क्लास को हम मॉडिफाई कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपेरेबल के साथ। तो इसीलिए एक डिफॉल्ट, हम डिफॉल्ट एक टेक्निक ले लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं, ठीक है? अब अगर कुछ भी नया सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करोगे तो आपको इसी एक्चुअल क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक्चुअल क्लास के मेथड्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कंपेरेटर में ऐसा नहीं है, इट डजंट अफेक्ट ओरिजिनल क्लास, ठीक है, एक्चुअल क्लास इज नॉट मॉडिफाइड। इसका सबसे जो एडवांटेज है वो ये है, कंपेरेबल प्रोवाइड्स कंपेयर टू मेथड, ठीक है, कंपेयर टू मेथड होता है, कंपेयर कंपेरेटर प्रोवाइड्स कंपेयर मेथड, ठीक है, कंपेयर मेथड प्रोवाइड करता है और इसमें टू ऑब्जेक्ट्स, टू इसका दो पैरामीटर होता है इसमें, राइट? अब देखोगे एज कंपेरेटर में तो यहां पर क्या है, कंपेयर मेथड है, उसमें कंपेयर टू मेथड था, ठीक है, और इसमें दो आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपेरेबल इज फाउंड इन java.lang पैकेज, ओके, कंपेरेटर इज फाउंड इन java.util पैकेज, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। वी कैन सॉर्ट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स कंपेयर कंपेरेबल टाइप, कैसे, नॉर्मल लिस्ट एंड, ठीक है, लिस्ट में हम पास करते हैं, सॉर्ट में हो गया। वी कैन सॉर्ट लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपेरेटर टाइप, वो कैसे, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, यहाँ पर लिस्ट देते हैं एंड देन कंपेरेटर देते हैं कि किस के बेस पे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली डिफरेंस दोनों में, ठीक है। सो इसको मैं शेयर करता हूं, ठीक है, एंड उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजन होता है, तो हम कल फिर से छोटा सा डिस्कस कर सकते हैं इस पर, ठीक है, ओके। बट वो कल होगा जब आप थोड़ा सा बना कर दे दोगे, ठीक है, तो उस पर हम लोग फिर से कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज का क्लास, कल हम लोग डिजाइन पैटर्न देखेंगे, ओके?